हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी। और आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 9, जो कि है बायो मॉलिक्यूल्स। तो चलिए आज इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, देन न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, देन डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, देन आता है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट, एंड लास्ट आता है एंजाइम। तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आए, हम थोड़ा सा बेस को समझ लेते हैं। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम टाइप ऑफ केमिकल से बने हुए हैं, यानी कि इनके अंदर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट है क्या? तो ये हमें पता कैसे चलेगा? तो अगर हम प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या फिर माइक्रोबियल पेस्ट का एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करें तो हमें जो लिस्ट मिलेगी एलिमेंट्स की वो होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स। और अगर हम सेम प्रोसेस अर्थ क्रस्ट के साथ परफॉर्म करें, यानी कि अर्थ क्रस्ट का भी हम एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करें, तो हमें अगेन सेम लिस्ट मिलेगी, सेम एलिमेंट्स की ही लिस्ट मिलेगी, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सभी अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, एंड दिस साइड आप देख सकते हैं ये सभी एलिमेंट्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। दोनों में जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में हैं वही सेम एलिमेंट्स हमें एक लिविंग टिश्यू में भी देखने को मिलेगा। बट अगर हम इस एनालिसिस को थोड़ा सा और डिटेल में देखें, थोड़ा सा और क्लोज जाए, तो हम पाएंगे कि जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशियो है इन अर्थ क्रस्ट एंड इन अ लिविंग टिश्यू वो वेरी करता है। यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन ये एक लिविंग टिश्यू में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू इन अर्थ क्रस्ट। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक, दैट इज हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक लिविंग टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर, एंड इस लिविंग टिश्यू को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इन ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल। देन ग्राइंडिंग के बाद हमें एक पेस्ट जैसा मटेरियल मिलेगा जिसे हम कहेंगे स्लरी। इस स्लरी को हम चीज क्लोथ या फिर कॉटन क्लोथ से स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। छानने के बाद हमें दो चीजें ऑब्टेन होंगी, पहली जो उस क्लोथ से छन के नीचे आ जाएगी और सेकंड जो उस क्लोथ में ही रह जाएगा। तो जो पोर्शन छन के नीचे आ जाएगा उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, एंड सेकंड फ्रैक्शन को हम कहेंगे रिटेंटेट। तो फिल्ट्रेट जो है ये होता है एसिड सॉल्यूबल पूल, यानी कि वो सब चीजें सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर जो कि ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्यूबल हैं वो सभी छन के आ जाएंगी, एंड जो इनसॉल्यूबल है वो हमारा पोर्शन है रिटेंटेट का। यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी, एसिड सॉल्यूबल पूल एंड एसिड इनसॉल्यूबल पूल। तो एसिड सॉल्यूबल पूल में पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सभी कहलाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एंड जो कंपोनेंट्स एसिड इनसॉल्यूबल पूल में प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो साइंटिस्ट हैं दे ऑब्टेन लॉट्स ऑफ, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सॉल्यूबल पूल।
तो इस तरीके से लिविंग टिश्यू में पाए जाने वाले कंपाउंड्स को आइसोलेट एंड प्योरीफाई करके हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उन कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस तरीके से हमें जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं, इन्हीं कंपाउंड्स को कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल्स। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? बायो मॉलिक्यूल्स या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं विच हैव मॉलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स एंड आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। इट इंक्लूड्स शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स, वाटर। ऑर्गेनिक के अलावा लिविंग टिश्यूज में कई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका पता कैसे लगाएंगे? इसका भी तरीका है। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा लिविंग टिश्यू ले लेंगे, से अ लीफ और लिवर। इस लिविंग टिश्यू को हम वेट कर लेंगे एंड इस वेट को कहेंगे वेट वेट। वेट करने के बाद देन इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने में क्या होगा, जितना भी वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा एंड बाकी जो मटेरियल बच जाएगा उससे हमें मिलेगा इस टिश्यू का ड्राई वेट। देन इसे बर्न करेंगे एंड ड्यूरिंग द बर्निंग जो ड्राइड टिश्यू है उनमें जो कार्बन है, तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स जो हैं आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, जैसे कि CO2 एंड वाटर वेपर्स। एंड इसके अलावा जो बाकी बच जाएगा जिसे ऐश कहते हैं, ओके? तो ये जो ऐश है इसमें प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ऐसे ही कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देखने को मिला है, जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट। तो इसी तरह से जो एलिमेंटल एनालिसिस है ये हमें बताता है कि जो लिविंग टिश्यू हैं दे कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से एनालिसिस करके हमें ओवरऑल पता क्या चलता है कि जो लिविंग टिश्यू हैं दे कंटेन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इन इट। सो अगर हम एक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा, बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई दैम इन टू अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड एंड इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स में। अब हम समझते हैं अपने पहले बायो मॉलिक्यूल को, दैट इज अमाइनो एसिड, जो कि एसिड सॉल्यूबल पूल में आता है, यानी कि ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है और साथ ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर ऑल्सो। तो ये है एक अमाइनो एसिड जिसमें आपको कार्बन के एक तरफ अमाइनो ग्रुप मिलेगा विच हैज बेसिक प्रॉपर्टी और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा विच हैज एसिडिक प्रॉपर्टी। ये दोनों ही ग्रुप सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं एंड इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। तो यानी कि ये अमाइनो एसिड कहलाएगा अल्फा अमाइनो एसिड। इसे सब्स्टिट्यूएंट मिथेन भी कह सकते हैं। तो जो अमाइनो एसिड है इट हैज फोर डिफरेंट ग्रुप्स। तो कार्बन की वैलेंसी होती है फोर और इन चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप्स अटैच हैं। एक तरफ है आ जाता है अमाइनो ग्रुप, एक तरफ आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप, देन यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज हाइड्रोजन और ये है आर ग्रुप या फिर साइड चेन। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन्स जो हैं ये बने होते हैं 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हैं वो टाइप्स डिपेंड करती हैं उनमें प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स अमाइनो एसिड्स पे। तो अगर इन अमाइनो एसिड्स में जो आर ग्रुप है
अगर वो हाइड्रोजन होता है तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहेंगे ग्लाइसिन, अगर ये आर ग्रुप मिथाइल होता है तो इसे हम कहेंगे एलेनिन, एंड अगर ये आर ग्रुप हाइड्रोक्सिल मिथाइल होता है तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहेंगे सेरिन। तो किसी भी अमाइनो एसिड में जो अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो बताती है उस अमाइनो एसिड के केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो किसी भी अमाइनो एसिड्स में कितने अमाइनो या कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, बेस्ड ऑन दैट इन्हें क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप्स में। फर्स्ट है एसिडिक, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाइनो ग्रुप जो कि बेसिक प्रॉपर्टी वाला होता है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। देन नेक्स्ट आता है बेसिक, जिसका एग्जाम्पल है लाइसिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप के कंपैरिजन में अमाइनो ग्रुप की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये एक बेसिक अमाइनो एसिड है। देन थर्ड है न्यूट्रल टाइप, जिसका एग्जाम्पल है वेलिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेशियो है कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप का वो इक्वल है, तो ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। देन सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एरोमेटिक के एग्जाम्पल है पहला टायरोसिन, नेक्स्ट है फिनाइल एलेनिन, दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड थर्ड टाइप है ट्रिप्टोफैन, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड के प्रॉपर्टी की। तो अमाइनो एसिड में प्रेजेंट अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं, इसीलिए इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच जो अमाइनो एसिड है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएच लो है तो यहाँ जो अमाइनो एसिड है ये कैटायन फॉर्म करेगा, अगर पीएच हाई है तो अमाइनो एसिड एनायन फॉर्म करेगा, एंड अगर पीएच न्यूट्रल है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ज्विटीरियोन। तो ये जो टर्म है ये आप अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की, दैट इज लिपिड्स, जिसे मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में रखा गया है बिकॉज कि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, बट ये ट्रूली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसका साइज 800 डाल्टन से कम है। लिपिड्स आर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज फैटी एसिड एंड आर वाटर इनसॉल्युबल। फैटी एसिड्स में होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच टू एन आर ग्रुप, तो ये है कार्बोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज आर ग्रुप। आर ग्रुप यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और एनी हायर नंबर ऑफ सी एच टू ग्रुप्स विच कंटेन 1 to 19 कार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड, तो ये पाल्मिटिक एसिड है जिसमें 16 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन ऑल्सो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है एरेक्डोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन एटम्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। तो फैटी एसिड जो है इट कुड बी सैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स देखे जा सकते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो ये है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन यानी कि ग्लिसरॉल। तो कुछ लिपिड्स में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, एंड ये दोनों स्टेरिफाइड होकर के फॉर्म करते हैं ग्लिसराइड का। तो ये जो ग्लिसराइड है इट कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड और ट्राई ग्लिसराइड। तो बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट इन्हें क्लासिफाई किया गया है फैट्स एंड ऑयल में।
ऑयल्स वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फॉर एग्जाम्पल जिंजली ऑयल, इसीलिए ये लिक्विड ही फॉर्म में रहते हैं विंटर्स में भी, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है. इसी का ऑपोजिट जो फैट्स हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए विंटर्स में जम जाते हैं. इसके अलावा कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होता है एंड दे आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स. तो ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेसिथिन, तो ये है लेसिथिन. इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं जो कि न्यूरल टिश्यूज में पाए जाते हैं. अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई ऐसे कार्बन कंपाउंड्स भी हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बेसिस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं एडिनोसिन, ग्वानोसाइन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमाइन. ये नाइट्रोजन बेसिस अगर शुगर से अटैच हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज या राइबो शुगर के साथ, तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, जिसके एग्जाम्पल हैं एडिनोसिन, ग्वानोसाइन, थाइमिडिन, यूरिडिन एंड साइटिडिन. एंड ये न्यूक्लियोसाइड्स जब फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जिसके एग्जाम्पल्स हैं एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड्स. तो ये सभी ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स पाए जाते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली एंड ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं. आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है. टिल दैट स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी.